सो गाइस, कल से आप लोगों के IBPS PO प्रीलिम्स के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक है, अभी छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप इनका एग्जाम में ध्यान रखोगे तो आपका पेपर कैसा भी आए अच्छा आ जाएगा। ठीक है, तो ये बातें मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले, हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी एंड वेलकम टू गाइडली एंड विश यू ऑल द बेस्ट। हर हर महादेव। आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा हो, आप पे भगवान की, आपके माँ बाप की, जो भी आपने मेहनत करी है, सबकी कृपा दृष्टि अच्छे से रहे। सबसे पहली बात, हम क्वांट सेक्शन की बात करेंगे। अब देखो क्वांट में क्या है, जैसा कि एग्जामिनर पकड़ के बैठा है कि हम इसे ही कैलकुलेटिव बनाने वाले हैं, कैसा भी पेपर है आपको चूज करना आना चाहिए, राइट। अगर आपका सिलेक्शन अच्छा है पीओ में, क्वेश्चंस का, देन आपका पेपर अच्छा होगा। सबसे पहली चीज, आपके जो स्पीड मैथ्स के पोर्शन है, दैट मीन्स जब आप मॉक दे रहे थे, आप जब आप अभी मॉक एनालिसिस करोगे, आपने जो भी मॉक दिया है उसे निकालो। देखो उसमें अगर आप सबसे पहले स्पीड मैथ्स के पोर्शन को चूज करोगे, चाहे उसमें अप्रॉक्सिमेशन हो, सिंप्लीफिकेशन हो, इनको पहले करना है, फिर क्वाड्रेटिक दिखती है तो उसे करिए। ठीक, इसके बाद नंबर सीरीज आती है, मिसिंग या रॉन्ग। मिसिंग नंबर में इतनी दिक्कत नहीं होती है, जो भी पैटर्न्स आपके एग्जाम में आ सकते हैं, मैंने टॉप 50 रॉन्ग नंबर सीरीज कराई है। टाइम नहीं है अभी, तो आप PDF उठा सकते हो टेलीग्राम से मेरे बैंकिंग स्मार्टी से, और उनको एक बार गो थ्रू कर ले सकते हो, उसमें सारे पैटर्न और आंसर्स भी दिए गए। ठीक, आपने देख लिया। ठीक, अब एग्जाम में जब अटेम्प्ट कर रहे हो इन क्वेश्चन को, तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि कोई भी रॉन्ग नंबर सीरीज अगर आपका 30 से 40 सेकंड से ज्यादा ले रही है, देन लीव इट, आप उसको छोड़कर आगे बढ़ जाओगे। उतनी देर में आप एक अर्थमेटिक का क्वेश्चन भी अटेंड कर सकते हो। ठीक, इसके बाद आप आओगे DI पोर्शन में। DI में कुछ हो सकता है, लेंथी DI मिले, 2 से 3 मिल सकती हैं, और एक तो होंगी, एक आर्ट ऐसी भी होती है जो डुएबल होती है, तो आपको उसे पहचानना है। ठीक, अभी मान लो आपके DI में 5 क्वेश्चन है, आपको एक बहुत ज़्यादा लेंथी लग रहा है कि आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप उसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि उस क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि आप उसकी जगह एक अर्थमेटिक कर लो। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, बाकी DI वही चूज़ करना पहले जो आपकी डुएबल हो। ठीक है, मान लो दूसरी DI आपने चूज करी, वो बहुत लेंदी है, तो उसके 5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन ऐसे मिल ही जाते हैं कि आप उनको इजीली कर सकते हो, तो आप अगर चाहो तो उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हो जो डायरेक्टली आपके DI के डेटा से हो रहे हो। ये चीज़ हो गई। अब अर्थमेटिक जब आप चूज करते हो, तो अर्थमेटिक में जैसे आपके टॉपिक्स हो गए, तो थोड़ा ऑप्शन को लेकर चला करो। ठीक, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप सॉल्व करने जाते हो, जैसे मल्टीपल्स देखकर, या फिर ये चीज़ बैठ रही है, अगर आपको लगता है उन 5 ऑप्शन में से बाय ऑप्शन चेक करना आसान है, तो आप उस मेथड से जा सकते हो अपने क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, राइट। बाकी आई होप आप लोगों ने जो मैंने 15 दिन का क्रैश कोर्स कर लिया था, आपने उसको फॉलो किया होगा, बिकॉज मैंने 100% एफर्ट कोशिश करी थी कि मैं आपको दूँ, और जितना भी एग्जैक्ट लेवल था, अगर आप नेक्स्ट की होगी तो वो सारा एग्जैक्ट लेवल था, इससे ऊपर आपका पेपर नहीं जाएगा। ठीक है, आई होप। ओके, इसके अलावा आप इस तरह से जाओगे, फिर अर्थमेटिक अपना आप चूज कर सकते हो, जो भी आपको आपके फैमिलियर लगता है, जो भी टॉपिक्स आपने पढ़ रखे, अगर आपको कोई लेंदी लगता है, देन आप उसको लीव करिए। तो प्रायोरिटी पे आपको वो चीज़ करनी है जो आपको कैलकुलेटिव ज़्यादा ना लगे, ठीक, ताकि आप कम टाइम में ज़्यादा नंबर ले सके, क्योंकि हर एक क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, वो एक नंबर ही आपको देगा। तो क्वेश्चन का सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात हो गई आपकी किसकी, क्वांट सेक्शन की। अगर हम इंग्लिश सेक्शन की बात करें, तो इंग्लिश में क्या आएगा, RC पहले अटेंड मत किया करो, छोटे छोटे क्वेश्चंस देखिए उन्हें करिए। अभी आप मॉक की जब एनालिसिस करो, देखो अगर कोई पार्ट ऐसा है जिसमें पक्का गलतियां करते हो, एक्यूरेसी आपकी बढ़ती है, तो एग्जाम में रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पेपर इजी आता है आपको जब 100% कॉन्फिडेंस हो, तभी उसे टिक करिए, अदरवाइज गलत करने की जरूरत नहीं है। ठीक, फिर लास्ट में आप RC कर सकते हो, और RC हमेशा क्वेश्चन के थ्रू जाया करिए। RC में अगर 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहले जो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स वाले हो गए, फिलर्स वाले हो गए, इस तरह के क्वेश्चन जो डायरेक्ट डेटा से बन रहे हैं उन्हें करिए। इन्फ्लुएंस बेस्ड या मल्टीपल जिनमें आंसर्स निकालने, उन्हें स्किप करिए, उन्हें बाद के लिए रखिए, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, इस तरीके से करिएगा। और बाकी जब अगर आपके एग्जाम में पैरा जंबल टाइप की कोई चीज आती है, तो हमेशा कनेक्शन ढूंढा करो। ठीक है, कनेक्शन कभी कभी आपका आपके किससे बन जाती है, कि एक स्टोरी से बनती चली जाती है, तो कनेक्ट किया करो कि एक का बी के साथ मैच है, पी का क्यू के साथ, या जिसके भी साथ है, वो पेयर्स बना लिया करो, फिर उनको कनेक्ट करने की कोशिश करो, इजिली हो जाता है। अब बात आती है रीजनिंग सेक्शन की, तो रीजनिंग में पजल्स पे तो पहले जाना ही नहीं है, पहले मिसलेनियस पार्ट करो, जिसमें 2-2, 3-3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इक्वालिटी से लॉक्स हो गया आपका, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, इस तरह के क्वेश्चन हो गए, उनको आप पहले कर लो अल्फान्यूमेरिक। अब इसके बाद आप पजल सेक्शन पे आओ, सिंगल वाले जो सिंगल लाइनर होते हैं रीजनिंग में, कभी वो बहुत टाइम टेकिंग होते हैं, तो उनको आप लीव करके आप पजल पे आओ, 4-3-4 जो भी आ रही है उनमें से उनको चूज करो, जो आपको लगता है कि ये पहले मैं कर सकता हूं। बहुत ज्यादा वेरिएबल बेस वाली पजल्स मत लिया करो, जिनमें डबल वेरिएबल है, ट्रिपल है, जल्दी से जो आपने प्रैक्टिस करी हो, जिसमें आपका कॉन्फिडेंस है, उसे ही करिए। अब जैसे मान लो मुझे डबल रो में हमेशा से प्रॉब्लम रहती थी कि मैं गलत कराती, तो मैं कभी भी उसको पहले टच नहीं करती थी, तो आपको पता है आपका वीक एरिया, स्ट्रॉन्ग एरिया कैसा है, आप उसके अकॉर्डिंग अटेंड करिए। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट, आपका पेपर अच्छा जाएगा, छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखिएगा, आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपका पेपर कब है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय, टेक केयर।